हेलो एवरीवन, ये है एमआई का वोटर टीडीएस टेस्टर, जिसके जरिए जो है आप अपने पानी की क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि वो आपके पीने लायक है या फिर नहीं। इसका जो प्राइस है वो 350 रुपीज़ है, जो कि आपको एमआई की ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके सामने की तरफ एक सिंगल बटन और एक LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसमें आपको रीडिंग्स देखने को मिलेंगी। ऊपर की तरफ इसमें जो है बैटरीज का कंपार्टमेंट दिया गया है, इसमें जो है LR44 बैटरीज डलती हैं, जो कि आपको पैकेज में नहीं मिलेंगी, तो वो आपको एक लोकल स्टोर से लेनी पड़ेगी। इसके ऊपर की तरफ MI का लोगो दिया गया है और साइड में इस पर लिखा गया है MI वोटर TDS टेस्टर। इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है प्लास्टिक की, तो आप इसे बिना देखे आराम से परचेज कर सकते हैं। इसमें जो है ये 9990 तक की TDS वैल्यू दिखा सकता है। और इसके सामने की तरफ जो एक प्लास्टिक की कैप दी गई है, जो कि ट्रांसपेरेंट और काफ़ी अच्छी है देखने में। इसमें आपको साइड में इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस दिख रही होंगी, तो वहाँ पे आप ये रीड कर सकते हैं थोड़ी बहुत, और नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार इसकी वैल्यू टेस्ट कर लेते हैं। इसके नीचे की तरफ जो राउंड है वो टेम्परेचर सेंसर है, और जो दो रोड्स हैं वो TDS की वैल्यू टेस्ट करने के लिए। तो चलिए हम फिल्टर के पानी की वैल्यू टेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो ये 92 दिखा रहा है। अगर हम सप्लाई के पानी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू ये है 220 दिखा रहा था। तो दोनों ही पानी पीने लायक है। आपको एक साइड में चार्ट दिख रहा होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा पानी या कितने लेवल तक का जो पानी है वो पीने लायक है या फिर नहीं। ये ऐसा नहीं कि वैल्यूज जो है ऊपर नीचे जा रही है, वैल्यू फिक्स दिखा रहा है। और दोनों ही फिल्टर का भी और नॉर्मल सप्लाई का भी पानी, दोनों ही पानी पीने लायक है, तो आप पी सकते हैं। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है इतने प्राइस में। बैटरीज भी इसकी काफ़ी जो है लंबे समय तक चलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसकी और डीपली डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।